हे गाइस व्हाट्सएप कैसा सभी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आज सभी का होस्ट और दोस्त रुहुल अमीशे का सभी का वेलकम करता हूँ आज की इस नई वीडियो पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज का टॉपिक है कि आप अपने वीवो Y20 यानी वीवो Y20 या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कस्टमाइज रिंग टोन कैसे सेट कर सकते हैं। उसे सेट करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग ओपन करनी होगी, जो मैंने यहाँ पर रिसेंट मेन्यू में ऑलरेडी ओपन कर रखी है। उसमें मैं यहाँ पर जाऊँगा, उसके बाद मैं अपनी इस जाऊँगा साउंड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद रिंगटोन या साउंड ऑप्शन पे यहाँ पे ये ऑप्शन है, देखिए मैं यहाँ पर प्रेस किया हूँ, इसको मैं ओपन करूँगा सिंपली। तो यहाँ जो सेटेड रहती है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सब आती है जो आपके इसमें प्री इंस्टॉल डाली हुई रहती है, मतलब पहले से इनबिल्ड रहती है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होके आती है मेरे इसमें, मैं देखा हूँ वो सब ये वाली है। लेकिन अभी अगर मुझे कस्टमाइज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर जाऊँगा कस्टमाइज ट्यून, कस्टम ट्यून है, देखिए मैं बता रहा हूँ एक बार, देखो ये कस्टम ट्यून, देखिए इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। हाँ, अब आपको जो भी ट्यून चाहिए, जैसे अभी आपको ये वाली चाहिए, ये वाली, हाँ ये वाली, अब आपको ये सेट करना है तो आप क्या करेंगे, बस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे बैक, उसको सेलेक्ट करने के बाद बैक सेट हो गया। कस्टमाइज मैसेज ट्यून भी सेट कर सकते हैं, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से अपने हिसाब से उठा लो, लेकिन मैं इसमें ऐसे कुछ यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम ये होगी कि गाइस मेरे को वही ट्यून बजेगी जो मैंने सेट किया रहूँगा, जो बहुत लंबी हो जाएगी तो खराब लगेगा कि मैसेज भी अगर इतना लंबा बज रहा है। इसलिए गाइस देखिए, और मैंने आपको बता दिया है, इसमें भी आप देख सकते हैं मैंने ये सेटिंग ऑन रखी है। अगर आपको दस साउंड ये सब चाहिए तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। फिलहाल क्या मैंने अपने डिवाइस को साइलेंट पर रखा है, पूरी वॉल्यूम बंद है, इसीलिए ये आपको सुनाई नहीं दे रहा है। उम्मीद करता आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।